नमस्कार, आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांट कर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके अन्न ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होती है। यदि आपका मन कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। जो मनुष्य जूते पहनकर भोजन करता है ऐसे भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में भी भोजन करना अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहन कर भी भोजन करना अशुभ होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए, खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन कर लेना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ माना नहीं गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्टकारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? क्या मनुष्य को दूसरों का झूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए ताकि उसे कभी अकाल मृत्यु तथा दुख दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है। रंग से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। हर पशु के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन ही करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इन विषयों में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। यह उपदेश मनुष्य की उन्नति करने वाला, दीर्घायु दिलाने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करने वाला है। जिस शरीर को भगवान ने प्रदान किया है उन्होंने ही इस शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है उसका शरीर सदैव शुद्ध, स्वच्छ और विकारों से दूर रहता है तथा सद्गति प्राप्त करने वाला बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, राक्षसी और क्रूर बनती है और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरे के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार का शरीर और विचार भी प्राप्त होते हैं।
इसीलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का ही चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान, वह चाहे राजमहल में रहता हो या वन में, उसे अपने शरीर की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए, परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए कि वह काम से केवल राजसिक आहार का सेवन करके क्रूर तथा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मांग, मर्यादा, संस्कार एवं अपने को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। राजसिक भोजन करने वाला व्यक्ति क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है, किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार कर लेता है, उसका मन पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे शरीर में भगवान सदैव ही निवास करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन करते समय उसका मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन हो जाने के पश्चात उसे क्या करना चाहिए, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं विषयों पर जानकारी देने वाले हैं। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं, तो घर से क्लेश, दुख, दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसीलिए हमें वास्तु शास्त्र में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु, पक्षी तथा प्रेत पिशाच, जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आपके द्वार पर आता है, तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें, फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, मुखिया और गर्भधारण की हुई स्त्री तथा मृतकों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है, उसका भोजन नरक के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है, और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देखकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा, और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करें। प्रथम पांच निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्यदेव बाल आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करें। उत्तर दिशा माँ सरस्वती की दिशा है, इससे उस व्यक्ति को कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करें। यह दिशा यम की दिशा है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन ना करें। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना शास्त्रों में पाप माना गया है। इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लें।
अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग निचले नीले जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया होता है तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन भूल से भी खाना नहीं चाहिए। यदि अंत में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में भोजन के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।